ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तय। कप्तान बनते ही सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में किए बड़े बदलाव। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के बाद अब टीम इंडिया तैयारी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का, और जिसका पहला मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं और उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, बता दिया है कि किस पोजीशन पर कौन से नए खिलाड़ी खेलने वाले हैं और किस पोजीशन पर किस खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा, गेंदबाजी एक्शन क्या होगा, ऑलराउंड पैकेज क्या होगा और बैटिंग लाइनअप क्या रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई T20 टीम का ऐलान किया गया था, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या समेत कई दिग्गज खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो क्या है टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में पहले T20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। तो जी हां, 23 नवंबर को खेला जाने वाला पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही। वैसे तो काफी उलझन थी क्योंकि बहुत से स्लॉट के लिए बहुत से खिलाड़ी अवेलेबल थे। ये ऐसी टीम इंडिया है जो पूरी तरह से युवा टीम इंडिया है और 6 महीने बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने वाली टीम इंडिया है और 5 मैचों की T20 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टीम इंडिया के लिए, उस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए भी। और उस लिहाज से 23 नवंबर को होने वाले पहले मुकाबले के लिए कुछ इस तरह से होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय से बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, फिर वो चाहे IPL हो या टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते हो, T20 में अच्छा काम किया है। एशियन गेम्स में भला वो पारी कौन बुला सकता है जिसमें यशस्वी जायसवाल ने अकेले दम पर पूरा मैच पलट दिया था। यशस्वी जायसवाल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, नो डाउट वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखाई देती है। IPL में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाने का नाम इनके रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। यशस्वी जायसवाल आक्रामक अंदाज में शुरुआत करना जानते हैं, पारी को आगे बढ़ाना जानते हैं, विस्फोटक अंदाज में जब ये अपने अपनों को टीम को ओपन करते हैं तो बहुत ही कमाल के दिखते हैं। पावर प्ले को डोमिनेट करने का पूरा काबिलियत इस खिलाड़ी में दिखाई देता है, इसीलिए यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए और भी ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं T20 के अंदर। यशस्वी जायसवाल कमाल के खिलाड़ी है, इनके साथ में नाम ऋतुराज गायकवाड़ का आएगा। अब ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया के उपकप्तान है और फिलहाल एशियन गेम्स में T20 के अंदर कप्तानी भी कर चुके हैं, इसलिए इनकी जगह बतौर उपकप्तान फिक्स है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। अब ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही धैर्य वाले खिलाड़ी देखे जाते हैं, जरूरत पड़ी तो विस्फोटक अंदाज में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धीमी पारी खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। वो इंटेंट इनके पारी में नजर आता है, वो क्लास इनकी पारी में नजर आता है, वो चौके छक्कों की बरसात कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की पारी में देखेंगे तो पाएंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ धोनी के अंडर बहुत खेले हैं, तो वो धैर्य दिखाई देता है, इसीलिए वो मेच्योरिटी इस खिलाड़ी में है, इसीलिए तो टीम इंडिया के उपकप्तान और फिर कप्तान के दावेदार भी बताए जाते हैं। इसीलिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ओपनिंग पेयर में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में जी हां यशस्वी जायसवाल का खेलना तय है। नंबर 3 की बात करेंगे तो नाम तिलक वर्मा का आएगा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा की वैल्यू टीम इंडिया के इस मिडल ऑर्डर में और ज्यादा बढ़ जाती है। तिलक वर्मा किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, इन्होंने हाल ही में हुए एशियन गेम्स में और उससे पहले भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई तो उसमें बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था कि मैं इस तरह का इंटेंट दिखा सकता हूं। IPL में अच्छा किया तब तो टीम इंडिया में मौका मिला और अब लेफ्ट हैंडेड के तौर पर तिलक वर्मा की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तिलक वर्मा बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, अकेले दम पर पूरे मैच को पलट सकते हैं और साथ में ये लेफ्ट आर्म स्पिनर भी माने जाते हैं जिसकी वैल्यू और भी ज्यादा टीम इंडिया में बढ़ जाती है। जैसे युवराज क्या करते थे कुछ ऐसा ये भी कर सकते हैं, इसलिए तो टीम इंडिया इन्हें लगातार मौका दे रही है। नंबर 4 की बात करेंगे तो नो डाउट सूर्य कुमार यादव की जगह पक्की है। अब सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान है, बतौर बल्लेबाज ICC के नंबर 1 खिलाड़ियों में आते हैं, बहुत ही कमाल की बल्लेबाज
बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, बहुत ही मतलब ऐसी बल्लेबाजी जो मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं। वनडे फॉर्मेट में हालांकि इनका बल्ला उतना नहीं चला, लेकिन टी20 फॉर्मेट इनका अपना फॉर्मेट है। टी20 के नंबर वन बल्लेबाज है, बतौर बल्लेबाज तो सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, लेकिन इस बार कप्तानी की परीक्षा होगी, क्योंकि कप्तानी एक ऐसी चीज है जो सूर्य कुमार यादव पहली बार करेंगे और हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में इन्हें कप्तानी का भार दिया गया है। अब देखने वाली बात है बतौर कप्तान और बतौर टीम इंडिया के नंबर 4 के बल्लेबाज के तौर पर ये किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं। नंबर 5 की बात करेंगे तो फिर नाम ईशान किशन का आ जाएगा। जी, ईशान किशन टीम इंडिया के बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन जब आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर जगह पक्की करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं है और आप यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाकर ईशान किशन को ओपन कराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईशान किशन वो खिलाड़ी है जो नंबर 5 के दावेदार भी बन सकते हैं। विस्फोटक अंदाज में पारी को फिनिश करने का वो काबिलियत दिखाई देता है और ईशान किशन बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, अकेले दम पर मैच पलटने का क्षमता रखते हैं और पिछले कुछ समय से लगातार टीम इंडिया की उस प्लेइंग 11 से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए नंबर 5 पर आपको ईशान किशन दिखाई देंगे। नंबर 6 की बात करेंगे तो नाम रिंकू सिंह का आएगा। अब देखिए, रिंकू सिंह पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। रिंकू सिंह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी, आक्रामक अंदाज में वो शॉट लगाए और मैच को फिनिश करते हुए नजर आए हैं। रिंकू सिंह के अंदर वो काबिलियत है कि अगर 2-3 गेंदों पर आखिरी में छक्के चाहिए तो वो लगा सकते हैं। रिंकू सिंह विस्फोटक अंदाज में टीम इंडिया की पारी को फिनिश कर सकते हैं और टीम इंडिया का नया ब्रांड स्टार बनने जा रहे हैं रिंकू सिंह, इसलिए रिंकू सिंह की वैल्यू टीम इंडिया के उस टी20 स्क्वाड में बढ़ जाती है नंबर 6 के तौर पर। नंबर 7 की बात करेंगे तो नाम अक्षय पटेल का आएगा। अब देखिए, स्पिनर के तौर पर अक्षय पटेल की वैल्यू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर में तो बढ़ती है, लेकिन बल्लेबाजी में नंबर आपको 7 पर गहराई देते हैं। अक्षय पटेल टीम इंडिया के किसी भी प्लेइंग 11 में फिट हो जाते हैं और अब रविंद्र जडेजा जब इस टीम में नहीं है तो इनकी जगह प्लेइंग 11 में भी पक्की नजर आती है और नंबर 7 पर आती है। अक्षय पटेल एक ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर धीमी पारी भी खेलने की क्षमता रखते हैं, मतलब वो जो विकेट बचाते हो। अक्षय पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अपनी गेंदबाजी के दम पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए नंबर 7 पर आपको अक्षय पटेल नजर आते हैं। नंबर 8 की बात करेंगे तो नाम वॉशिंगटन सुंदर का आएगा। अब देखिए, वॉशिंगटन सुंदर भी पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पावर प्ले में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी है जो आपको पावर प्ले को डोमिनेट करते हैं गेंदबाजी के तौर पर और जरूरत पड़ी तो नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए आप बल्लेबाजी में अगर गहराई चाहते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर आपके नंबर 8 के बल्लेबाज बन जाते हैं, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर इस टीम की प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करते हैं। अब बात करते हैं 3 तेज गेंदबाजों की, क्योंकि आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ में जाएंगे तो सबसे पहला नाम 9th पोजीशन पर प्रसिद्ध कृष्णा का आएगा। अब देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया की पहली पसंद बन जाते हैं बतौर तेज गेंदबाज के तौर पर, क्योंकि वनडे में तो इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में जगह पक्की करी, बतौर कि वो 3 तेज गेंदबाज नहीं हो तो 4th तेज गेंदबाज तो यही बन जाते हैं और टी20 के अंदर अपनी जगह पक्की है क्योंकि फिर वो एक गेंदबाज नहीं है। अब प्रसिद्ध कृष्णा के पास अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी पारी देने का, विकेट चटकाने का, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को छकाने का। नंबर 10 पर नाम अर्शदीप सिंह का आएगा। अर्शदीप सिंह बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं। अर्शदीप सिंह ऐसे गेंदबाज हैं जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, डेथ ओवरों में सटीकता के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाना होगा अपनी गेंदबाजी से, हालांकि पिछले कुछ समय से वो फॉर्म वो लय नहीं दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह इनकी पक्की है और इनके आगे 11वें पायदान को लेकर थोड़ा और चिंता का विषय रहेगा क्योंकि यहां पर आपके पास मुकेश कुमार का नाम आता है। अब देखिए, मुकेश कुमार अच्छे गेंदबाज है, नो डाउट, पिछले कुछ समय से अच्छा किया है और इसलिए अपनी वो जगह पक्की करते हैं, लेकिन अगर स्पिनर के साथ में जाना चाहें तो रवि बिश्नोई भी जगह बना सकते हैं। ये एक कप्तान के ऊपर कॉल रहेगा कि 3 तेज गेंदबाज या फिर 3 स्पिनर, अगर स्पिनर है तो रवि बिश्नोई करेंगे जगह पक्का। यह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हमारी नजर में, आपकी क्या राय है?